कोलकात्याच्या वृक्षमित्र अग्रवाल दाम्पत्यांनी यड्रावत स्वखर्चाने जगवली 700 झाडे. पार्वती हाऊसिंग सोसायटी परिसर बनला नयनरम्य. स्वतःच्या घरातील बागेसाठी विविध प्रकारची शोभिवंत फुलझाडे आणण्याच्या छंदातून परिसरात शोभिवंत फुलांची रोपे लावून स्वखर्चाने त्यांच्या संरक्षणाचे पालन पोषणाची व्यवस्था करून स्वतःच्या बागेतील 600 व परिसरातील 100 झाडे लावून त्यांचे संगोपन करून वृक्षमित्र असल्याचा कृतीपूर्ण आराखडा यड्रावतील श्रीनिवास अग्रवाल व सुमती अग्रवाल या दाम्पत्यांनी आखला आहे. पार्वती हाऊसिंग सोसायटीमध्ये राहत असलेले श्रीनिवास व सुमती अग्रवाल यांनी स्वतःच्या घरासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची आकाराची दुर्मिळ कमी उंचीने वाढणारी अशा विविध जातींची झाडे बागेत लावल्याने त्यांची बाग आकर्षक व सुशोभित बनली आहे. त्यातून त्यांना नैसर्गिक वातावरणाचा आभास निर्माण झाला. गुड मॉर्निंग. आज आप लोग यहां आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना शौकीन लोग हैं कि गार्डन के बारे में बताना चाहेंगे आप लोग. हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आज इचलकरंजी जी में आकर 30 साल हो गए. महाराष्ट्र में आना, हम लोग नॉर्थ इंडियंस, मेरे हस्बैंड कैलकटा से और मैं यूपी से. एकांत था यहाँ पे, बहुत अच्छा ओपन स्पेस थी और यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा था और थोड़ा सा गार्डन का शौक तो था ही हम लोगों को, तो इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर ये गार्डन डिवेलप कर लिया. इनफैक्ट हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो ये किराए की जगह में हम लोग रहते थे और इसको हम लोगों ने पूरा डेवलप किया. तो जब ओनर ने इसको घर को बेचने के लिए निकाला तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने गार्डन डेवलप किया है तो हम लोग इसको नहीं बेचेंगे, और हम लोगों ने इसको अपना खरीद लिया. और हम लोग खुद ही ज़्यादातर हाथ से काम करते हैं. मेरे हस्बैंड को गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक है, तो हम लोग जहाँ तक होता है सब चीज़ें खुद ही करते हैं. संडे संडे हमारे पास एक माली आता है और हमारा जो घर का, हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प है बहादुर, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है. और हम लोग अपना सुबह का पूरा टाइम जो है वो ज्यादातर इसके रखरखाव में लगाते हैं. या प्रेरणेतूनच पार्वती हाऊसिंग सोसायटी मधील ओंकारेश्वर मंदिर मार्ग व मंदिराभोवती शेट्टी घरापर्यंतच्या मार्गावर नीलमोहर, बोहवा, लेजेस्ट्रोमिया, कांचन, सोनचाफा, बदाम अशा विविध प्रकारच्या वृक्षांचे रोपण केले आहे. आपल्या भागात दुर्मिळ असणारा कैलासपती वृक्ष हा ओंकारेश्वर मंदिरामध्ये लावण्यात आलेला आहे. या सर्व झाडांना लोखंडी संरक्षण जाळ्या बसवण्यात आल्या आहेत. सर्व झाडांना स्वतःच्या घरातून ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्यात येते. झाडांची देखभाल, खते, औषधही वेळच्या वेळी देण्यात येतात. यामुळे झाडे चांगल्या पद्धतीने बहरत आहेत. एक बात है कि यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज थी. दो साल पहले तो बिल्कुल ही पानी खत्म हो गया था. हम लोग टैंकर से जो है यहाँ पे पानी देते थे. फरवरी से लेकर जून तक हमारे पास यहाँ टैंकर आते थे. फिर एक समय ऐसा आया कि टैंकर भी आने बंद हो गए, मिलने बंद हो गए, इतनी पानी की शॉर्टेज हो गई. हमारे 75% प्लांट जो है वो मर गए थे उस टाइम. तब उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है जो कम पानी लेने वाले प्लांट्स हैं उनको हम लोग अभी लगा रहे हैं. तो अभी हम लोग लेटेस्ट में हम लोग एडीनियम्स लगा रहे हैं. हमने अभी 150 एडीनियम्स जो हैं यहाँ पर अभी लगाए हैं. घरच्या जागेमध्ये विविध प्रकारचे गुलाब, विविध प्रकारची जास्वंदी, 50 हून अधिक प्रकारचे एडानियम, वॉटर ब्रश, वेगवेगळ्या प्रकारचे पाम, नॅलिना अशी शोभिवंत सुगंधी फुलांची झाडे लावण्यात आली आहेत. टॅक्सचे विविध प्रकार, विविध आकार व रंगांची पाने असलेली झाडे, बोनसाय प्रकारातील वनवृक्ष या ठिकाणी जगवणे, वाढवणे व त्यांचे संगोपन केले जाते. या ठिकाणी पपनस फळाचा वृक्ष डेरेदार बनला आहे. सुमारे 400 हून अधिक लहान मोठ्या कुंड्यांमध्ये झाडे बहरली आहेत. तर अर्ध बॅरल मोठ्या कुंड्यांमध्ये सुमारे 100 झाडे डौलदारपणे उभे आहेत. अशी या दाम्पत्यांची वृक्षमैत्री अतूट बनली आहे. यामुळे पार्वती हाऊसिंग सोसायटीमध्ये बहरदार वृक्षांच्या नयनरम्य दर्शनाचा आनंद मिळत आहे. या कामात रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी टेक्सटाईल सिटी यांचे त्यांना सहकार्य मिळते. महानकर न्यूजसाठी कॅमेरामन ऋषिकेश बावचेसह विकास लवाटे. तो वो 1-2 साल में जब वो डेवलप हो जाएंगे तब मुझे लगता है कि गार्डन बहुत खूबसूरत हो जाएगा. अभी जो आप देख रहे हैं हमारे पास प्लांट्स बहुत कम है यहाँ पे, तो भी जो हैं वो हम लोग उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और प्लांट्स खरीदने में हम लोगों ने, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इचलकरंजी में आसपास यहाँ पे नर्सरी नहीं थी,
तो हम लोग यहाँ से आइको की नर्सरी से, कुरुंदवाड़ की नर्सरी से, कोल्हापुर की नर्सरी से, इवन मलकापुर पूना की जगताप नर्सरी और इछलकरंजी बाद में अंबिका नर्सरी डेवलप हुई, उन सब से हम लोग प्लांट्स लेके आते थे। आइको के और डेक्कन के जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उन लोगों से हम लोग कंसल्ट करते थे और हम लोग को जो जो मालूम था उसके लिए हम लोग सब प्लांट्स लेकर आते थे। मेरे हस्बैंड को गुलाब का बड़ा शौक था तो हमारे पास हर वैरायटी के गुलाब थे विद नेम टैग्स थे। अभी हमारे पास आजकल गुलाब कम हो गए पर हम लोग फिर से सारे गुलाब लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।